जब दाढ़ी रखने और टॉयलेट जाने पर देना होता था टैक्स। जाने दुनिया के अजीबोगरीब टैक्स के बारे में। दुनिया के कई देशों में समय समय पर ऐसे अजीबोगरीब टैक्स लगाए गए हैं जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकती है। इनमें से कुछ टैक्स समय से साथ खत्म जरूर हो गए, लेकिन चर्चा में अब तक बने हैं। 1790 तक फ्रांस में नमक कर लगाया गया था। इसके तहत 8 साल की उम्र के हर व्यक्ति को हर हफ्ते राज्य की निश्चित कीमत पर एक निश्चित मात्रा में नमक खरीदना पड़ता था। इसका लोगों की जेब पर ज्यादा असर पड़ता था। ये महंगे भी थे। परिणाम स्वरूप नमक की बड़े पैमाने पर तस्करी होने लगी। अमेरिकी राज्य अरकानसास में किसी भी शरीर पर कुछ कराने के लिए 6% कर होता था। इसे वर्ष 2005 में पहली बार पेश किया गया, खासकर शरीर के अनचाहे बाल हटाने और टैटू आदि बनवाने के लिए। 16वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में धब्बेदार साबुन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि यह देश के पेड़ों के रिजर्व को समाप्त कर रहा था। सरकार ने उत्पादन की कोशिश को और धीमा करने के लिए इस पर टैक्स भी लगाया था। यह टैक्स प्रथम शताब्दी में रोमन सम्राट नीरो और वेस्पासियन ने लगाया था, जो पेशाब पर था। रोमन समाज के सार्वजनिक टॉयलेट में जाने वालों को टैक्स देना पड़ता था। वर्ष 2003 में न्यूजीलैंड में कृषि उत्सर्जन अनुसंधान लेवी, आमतौर पर पेटेंट कर या गोज टैक्स के रूप में वर्णित किया गया था, का प्रस्ताव था। यानी ऐसा टैक्स जो कृषि पशुओं द्वारा मीथेन उत्सर्जन पर लगेगा। इसका बहुत विरोध हुआ। बाद में न्यूजीलैंड सरकार ने इसका इरादा छोड़ दिया। सन 1535 में इंग्लैंड के राजा हेनरी 8, जो खुद दाढ़ी रखता था, ने दाढ़ी पर कर लगा दिया। इस टैक्स की दरें दाढ़ी रखने वाले की सामाजिक स्थिति पर तय होती थीं। इसे फिर हटा भी लिया गया। बाद में उनकी बेटी इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम दाढ़ी कर को फिर से शुरू किया, जिसे 2 हफ्तों से अधिक की हर दाढ़ी पर लगाया गया। टोपी कर 1784 से 1811 तक ब्रिटिश सरकार ने पुरुष टोपी पर लगाया था। ये सरकार के लिए राजस्व जुटाने का एक आसान तरीका बन गया था। सितंबर 2009 में इलिनोइस राज्य ने अन्य भोजन की तुलना में उत्तर पर कैंडी का भुगतान करने का निर्णय लिया। इलिनोइस का राजस्व विभाग बताता है कि अगर किसी वस्तु में आलू होते हैं या फिर प्रशीतन की आवश्यकता होती है, यह कैंडी नहीं माना जाता है और इसे अन्य खाद्य जैसे ही कम दर पर लगाया जाता है। इंग्लैंड के जेम्स आई 16वीं-17वीं शताब्दी के शासनकाल में प्लेइंग कार्ड पर टैक्स लगाना शुरू किया। वही कार्ड बाजार में मान्य होते थे जिन पर सरकार का प्रतीक चिन्ह लगा होता था। ये टैक्स 4 अगस्त 1960 तक चलता रहा।